नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर जनपद सीओ के ओझा के साथ कोरोना वायरस के संबंध में बातचीत की गई। ग्यारसपुर संवाददाता प्रेम नारायण सूर्यवंशी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की कि घरों में सुरक्षित रहें, मगर ग्यारसपुर जनपद में लोग नियमों का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं। मुंह पर मास्क कपड़ा भी नहीं लगाए हुए हैं। इस संबंध में जनपद पंचायत सीओ के ओझा ने कहा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मास्क बनवाए जा रहे हैं, जल्द ही लोगों में वितरण किए जाएंगे। एवं विदिशा जिला कलेक्टर पंकज जैन बहुत ही अनुभवी डॉक्टर भी रह चुके हैं और वह जानते हैं कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंस से कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है, लेकिन समस्त आम नागरिकों से इसका पालन करने के लिए कहा है। हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जान है तो जहान है, परंतु लोग उतनी गंभीरता नहीं ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार पेट्रोलिंग करके लोगों को जागरूक कर रहा है और घरों में अंदर रहने की हिदायत दे रहा है, तो वहीं लोग भी जागरूक हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नागरिक उसका पालन भी कर रहे हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे, हमारे साथ बैठे हैं जनपद सीओ के ओझा जी से बात करेंगे। कल के बारे में जो बात की है अपने कलेक्टर महोदय जी, उसके बारे में हमको थोड़ा संदेश देंगे। सबसे पहले तो मैं अपने जनपद पंचायत की 1100 के ग्रामीणजनों को अवगत कराना चाहूंगा। ये बड़ी जिला विदिशा के लिए सुखद स्थिति है कि यहाँ के जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन बहुत ही स्वास्थ्य सेवाओं में ध्यान रखते हैं और प्रशासन में उनकी बड़ी सूक्ष्म पकड़ है और उन्होंने पूरे जनता को आगाह किया है कि अब ये कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। उन्होंने खुद जाकर सब्जी मंडी में और सभी अधिकारियों एसडीएम को सीओ को तहसीलदार को निर्देशित किया है कि जो भी हमारे मेडिकल स्टोर है, सब्जी मंडी है, बैंक है, बीमा की कंपनी है, उसके घर के सामने दुकान सामने हम गोल घेरे बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिससे हमारा ये तालाबंदी है इसके दौरान जो लोग घर में हैं, जो होम क्वारंटाइन में हैं, और उससे हम रोकथाम करने में बचाव हो सकेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मार्केट में जो प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज का आह्वान किया था उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मास्क लगा के आने चाहिए वो मास्क लगा के नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए अभी जागरूकता का अभाव है, अभी लोग उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको अवगत करना चाहूंगा, एक ग्राम पंचायत सीएफटी के अटाई खेड़ा है, वहाँ जागृति स्वसहायता समूह की ये अध्यक्ष हैं श्रीमती लता सेन, उन्होंने ये 10 रुपए में मास्क बना के दे रही हैं। इसी तरह से पूजा प्रतिपत्ति है जगदीशो धाम मनोरा में, वो भी 10 रुपए में दे रही है और हम 2-3 दिन में ये है, 1-2 दिन में ये गुलाखेड़ी में और इसमें ये ग्यारसपुर में और हैदरगढ़ बड़ी पंचायतों में ये मास्क बनाने करेंगे और सैनिटाइजर के लिए हम व्यवस्था करा रहे हैं ग्राम पंचायतों के, क्योंकि सरकार ने 14 वित्त आयोग में 30,000 रूपये प्रति पंचायत को दिया है कि वो भोजन व्यवस्था करें और ये मास्क की व्यवस्था करें और सैनिटाइजर व्यवस्था करें, साफ सफाई भी व्यय करें, जिससे कि लॉकडाउन के दौरान गाँव में साफ सफाई बनी रहे और कोरोना वायरस की जो महामारी उससे हमें निजात पा सके, सहयोग कर सके शासन को। जैसे कि प्रधानमंत्री माननीय जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया जी हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए, मैं भी एक अपना परिवार का सदस्य हूँ, तो उसका पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए कलेक्टर महोदय ने कल बीसी में बताया कि आप सुरक्षित रहें, आप अपना बचाव करें, जनता बचाव करें और माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े मार्मिक ढंग से बड़े सदस्यता के साथ पूरी जनता से निवेदन कर रहे हैं, देश की जनता से, कि जान है तो जहान है। लोग अभी उतनी गंभीरता से शायद उनको इतने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक नहीं है, लेकिन हमारा जो ग्राम पंचायत के सचिव है, सहायक सचिव है, एडीओ पीसीओ मंत्री है, जो भी हमारा अमला है, पटवारी है, आंगनबाड़ी कर्ता है, पंचायत, जो भी हमारे ग्राम पंचायत के विभाग के अधिकारी हैं, वो भी गांव में जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। अब अच्छी स्थिति हो रही है और हमें पूरा विश्वास है, प्रशासन विश्वास है, हम जल्दी से इसके निजात पा जाएंगे और अच्छा कर सकेंगे। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।